तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो कल रात में हम लोग सर से परमिशन लिए थे कि आज सुबह हम लोग अटेंडेंस में नहीं जाएंगे, तो सर मतलब डे भी दिए थे। तो हम लोग क्यों जहाँ क्यों हम लोग परमिशन लिए थे, क्योंकि हम लोग को जाना था त्रिकुट पहाड़। और त्रिकुट पहाड़ जाने के लिए सुबह 7 बजे उठना पड़ता है, लेकिन हम सो के उठे 11 बजे। खैर कोई नहीं, त्रिकुट पहाड़ तो रही गए, चलिए चलते हैं। मैं खाना खा के आते हैं, वरना पता चला कि वहाँ भी खाना खत्म हो गया। तो चलिए चलते हैं, मैं वहाँ पहुँच के आपसे बात करते हैं। हम लोग नहा धो करके हो गए रेडी, लेकिन 11:30 बज गया, थोड़ा लेट हो गया। खैर कोई नहीं, चलिए चलते हैं। हम क्या बढ़िया सोचे थे कि त्रिकुट पहाड़ जाएंगे, लेकिन साला उठने में ही लेट हो गया। और अभी जा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, जाएंगे तो फिर अपने ड्यूटी टाइम तक आ भी नहीं पाएंगे। कोई नहीं, देखते हैं कल या परसों। अभी है यहाँ पर 2-4 दिन है, हम लोग 2-4 दिन में देखते हैं जाते हैं या नहीं। फाइनली एक टोटो दिखा इतने जन्म के बाद। तो हम लोग नंदी चौक पहुंच गए हैं, वहाँ दोस्त लोग जो ड्यूटी में था उनसे बातचीत हुआ थोड़ा 5-10 मिनट। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं टेंट खाना खाने, एक प्याज क्या बन। उससे पहले काफ़ी नॉर्मल सा ही है। अब यहाँ पर बार्गेनिंग वन पीक, यहाँ पे जितना हो उतना बार्गेनिंग कर सकते हैं अगर आपके अंदर स्किल है तो। सस्ता ही मिलेगा आपको, वरना जो बोल रहे हो देख ले जाना ही पड़ेगा। एकदम चूज करके लीजिए और पक्का बार्गेनिंग करके लीजिए, यही तो हम इंडियंस की पहचान है। बिना बार्गेनिंग का थोड़ी ना मजा आता है कुछ लेने में। 5 रुपया भी कम करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे भाई, बात है। यहाँ पर लग रहा है टैटू बनवाया जाएगा, डीलिंग हो रहा है, प्राइस सेट किया जा रहा है। हम लोग आ गए अपने मेस, और आज अपने मेस पे बनाया है दाल भात और भुजिया। लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो चलिए खाकर बात करते हैं आपसे। ये क्या है? ये कस्तूरी है। ये सब असली रुद्राक्ष है? असली है, असली वाला तो उसमें रहता है ना भाई, क्या बोलते हैं, अंदर फल टाइप में रहता है, कवर में। कवर में हाँ हाँ, वो निकाल देते हैं। अच्छा, वो ये निकाल रहा वो। जय श्री हरे, कल्याण करने वाले नारायण, कल्याण करना, रक्षा करना, सब ज्ञान रखना, भंडार को बाबा को। और ये क्या है? किसका? ऊंट का नाखून, उल्लू का नाखून। वाह, उल्लू का नाखून भी बिकता है। कुछ दे दो इसी में, जो तुमको समझ आए। जब जब से चीज रखा है यहाँ पर, देखिए कंदमूल फल सिर्फ देखने के लिए या खाने के लिए, पता नहीं कितना भीड़ लगा यहाँ पर। देखिए अंकल को पूरा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन चाहिए कि इस फल को खाने से क्या होता है, क्यों खाया जाता है। भाई भगवान राम खाए थे तो बस लोग खा रहे हैं। वैसे सही बात है, फ़ायदा तो जानना ही चाहिए या नुकसान, कि क्या फ़ायदा है क्या नहीं। गुड क्वेश्चन अंकल जी। तो हम लोग मेस से खाना खा के निकल चुके हैं, और थोड़ा लेट आज ज़्यादा हो गया क्योंकि सर भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ना, तो थोड़ा पूछ रहे थे वीडियो एडिटिंग के बारे में, थंबनेल वगैरह सब के बारे में। वही सर से बातचीत हो रहा था, हम भी सजेशन मांग रहे थे सर से, पूछ रहे थे, सर भी पूछ रहे थे कुछ लोग, तो उनका समझ में नहीं आ रहा तो बातचीत हुआ। चलिए चलते हैं रूम, देखते हैं क्या करते हैं वहाँ जाकर। हम आ गए हैं अपने रूम, ये छत पे चला जाए, मौसम आएंगे बढ़िया किया है। अरे यार इतना काला, तो गाइस बज गया है 3। चलिए चलते हैं फटाक से नहा धो करके अपने ड्यूटी पोस्ट, और आज गांव से भाई लोग भी आ रहे हैं तो उन लोगों को भी पिक करते हैं। नहा धो के निकल गए अपने ड्यूटी पोस्ट के लिए, मस्त। धूप में आते ही काला कहाँ लगने लगता है यार, बस लगती है चली गई अपना। यार कोई नहीं, हम लोग भी चलते, आज ऑटो से ही जाना पड़ेगा। पता गया गाइस, बस गया नहीं था कहीं। पहुँच चुके हैं नंदी चौक और जा रहे हैं अपने ड्यूटी पोस्ट की तरफ। थोड़ा बारिश भी हुआ था आज, लग रहा है
नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा भीड़ है, ठीक है ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे ड्यूटी पोस्ट पर, देखते हैं वहाँ का क्या हाल चाल है। और ये रहा आपने ड्यूटी पोस्ट का हाल, आगे तो पीए तक सब भरा पड़ा है। थैंक यू भाई। 7 बजे हैं और अभी हम लोग को 1 घंटे का ब्रेक मिला है, देख लीजिए। शिवगंगा के पास ही सारे कौड़ियों को रोक दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा था और अभी सिंगारी पूजा भी होगा इसीलिए। तो चलिए चलते हैं, 1 घंटा बाद मिलते हैं हमें 7 बजे दूसरे टाइम पर। ये सब जो लोग बीच बीच में दुकान लगाया है, वो लोग कितना बार पुलिस वाले हटाने का कोशिश किया लेकिन हटाता है ये लोग फिर आ जाता है, सब बीच में लगा के बैठ गया है। सॉरी हम गले का मून है, सॉरी। अब बीच में एकदम ये तो चलता फिरता दुकानें बन जाए। अब आएगा आरबी वाला फिर हटाएगा, वो लोग चल जाएगा फिर लोग लगा देगा अपना। टैलेंट और मार्केटिंग दोनों एक साथ, सही है भाई। रोबोटिक गैया। हम लोग जो 1 घंटे का ब्रेक मिला था उस ब्रेक में हम लोग खाना खाने आ गए हैं, अब सीधा जाएंगे खाना खा के 8 या 8:30 बजे, तब तक है पोस्ट पे लड़का लोग। हाय करो। हाय गाइस। अनीस भैया जैतीन, जैतीन धनबाद। मिलते हैं आपसे खाना वाना खा के। अपने प्रवीण भैया क्या बन रहा है? रोटी और चना। चलिए बहुत सुंदर। यहाँ पे शाम के लोगों का गिनती चल रहा है। गिनती ऐसे होता है भाई कि वो क्यूआरटी वाला है वो ड्यूटी वाला है। ये साइन कराने के लिए मारामारी चल रहा। तो गाइस थोड़ा सा खाना खा के और थोड़ा आराम करके हम निकल चुके हैं अपनी ड्यूटी पोस्ट पर। और एक दोस्त है ऑफिस में, वो मैसेज किया है कि चेकिंग हो रहा है आ जाओ, तो फटाक से जा रहे हैं हम लोग चेकिंग। और आज दूसरा रास्ते से जा रहे हैं हम लोग, तो चलिए फटाक से पहुँचते हैं ड्यूटी पोस्ट पर, सब लोग को धप्पा करते हैं। ये सब बाबा का प्रसाद है जो भी चढ़ेगा। यहाँ पर पूजा का तैयारी चल रहा है बाबा का। तो गाइस बज गया है 12, आज फिर अपना शिफ्ट समाप्त, हमेशा की तरह आज फिर अपना शिफ्ट समाप्त। और देती जी मेरे महादेव। तो गाइस चलते हैं दूसरे शिफ्ट वाले, वरना बुरा मान जाएगा कि मेरा भी ड्यूटी कर रहा है। चलिए चलते हैं रूम, चल करते हैं आराम। हैप्टिक डे था भाई आज। चलिए चल के महादेव को प्रणाम करते हैं और आप लोग को भी दर्शन करवाते हैं महादेव का। एज आई से अपने पोस्ट पर भी सब बढ़िया, ऑल गुड। बस साफ सफाई का थोड़ा बहुत काम चल रहा है, बढ़िया। मिलते हैं आपसे रूम में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने रूम और थोड़ा लेट हो गया रूम पहुंचने में क्योंकि कुछ काम था रास्ते में। तो चलिए वर्दी चेंज करते हैं, वीडियो एडिट करते हैं और चलते हैं सोने। तो गुड नाइट।